नमस्कार, मैं शिवानी, बिहारी न्यूज़ में आपका स्वागत है। बिहार में मॉनसून अभी भी सक्रिय है और बारिश का दौर लगातार जारी है। बिहार के अधिकतर जिले में बीते दिन रुक रुक कर बारिश हो रही थी, वहीं राजधानी पटना में भी रुक रुक कर हो रही बारिश ने लोगों को परेशान किया। बारिश के कारण नदियों का जलस्तर फिर से बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज बिहार के जिले पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, मधुबनी के एक या दो स्थानों पर गरज के साथ भारी से भारी बारिश की संभावना है। इस बाबत मौसम विभाग ने यहाँ के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जहां अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग की माने तो हिमालय की तलहटी के साथ साथ समुद्र तल पर मानसून ट्रफ का पश्चिमी छोर अभी भी जारी है। हालांकि मानसून ट्रफ रेखा का पूर्वी छोर अब हरदोई, वाराणसी, डाल्टनगंज, दीघा और वहाँ से पूर्व दक्षिण, पूर्व से बंगाल की उत्तरी खाड़ी तक जाती है, जिसकी वजह से इसके सटे बिहार के कुछ क्षेत्रों में जमकर बारिश होगी। बिहार में इस साल मॉनसून पूरी तरह से सक्रिय है। मॉनसून के लगातार सक्रिय होने की वजह से कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। बिहार के कई इलाकों में बाढ़ का तांडव पहले से ही जारी है। ऐसे में लगातार बारिश होना हालात को और भी खराब कर सकता है। नेपाल और तराई क्षेत्रों के साथ साथ उत्तर बिहार में लगातार बारिश हो रही है, जहां नदियों के जलस्तर में इजाफा जारी है। वहीं छोटी नदियां भी बरसात के पानी से कहर बरपा रही है। इधर मुजफ्फरपुर जिले के सैकड़ों गांव बाढ़ के कहर से उबर नहीं पा रहे हैं। चलिए अब जिलेवार ढंग से देखते हैं आज यानी 28 अगस्त के मौसम का हाल। IMD पटना द्वारा मिली जानकारी के अनुसार उत्तर पश्चिमी बिहार के जिले पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण और गोपालगंज में आज अधिकतर जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। वहीं उत्तर मध्य बिहार के जिले सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर में भी आज अधिकतर जगहों पर बारिश होने का अनुमान है। उत्तर पूर्व बिहार के जिले सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया के अधिकतर जगहों पर आज बारिश होने का अनुमान है। वहीं दक्षिण पश्चिम बिहार के जिले बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल के कुछ ही स्थानों पर आज बारिश होगी। दक्षिण मध्य बिहार के जिले पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय और लखीसराय के कुछ ही जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है। वहीं दक्षिण पूर्व बिहार के जिले कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया के अधिकतर जगहों पर बारिश होने का अनुमान है। विशेष रूप से राजधानी पटना की बात करें तो आज पटना सहित इससे सटे इलाकों में एक या दो जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, जहां 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज की जा सकती है। आज के लिए बस इतना ही। बिहार के मौसम के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।